सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आप सबका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पिस्टल के नोक पर नाबालिग को किया किडनैप, स्कूल में ले जाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप। केंद्रीय वित्त मंत्री का डी फेक वीडियो बनाना पड़ा भारी, गुजरात पुलिस ने दर्ज की FIR। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मुद्रा जमीन मामले में हाई कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। उन्नाव में बड़ा हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही बस दूध कंटेनर से टकराई, 18 लोगों की मौत, 19 घायल। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, 15 जुलाई को अगली डेट। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। कांवड़ यात्रा की आड़ में नहीं होगी नशे की तस्करी, उत्तरकाशी पुलिस रखेगी पैनी नजर। शासन ने 6 महीने तक ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक। जापान में AI एथिक्स फॉर पीस सम्मेलन में चिन्मय पांडे ने लिया हिस्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई चर्चा। मंगलौर में लिब्बरहेड़ी गांव में हुई हिंसा के लिए प्रशासन और BJP जिम्मेदार, हरीश रावत ने दिया बयान। BJP कार्यालय में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को थामी सरकार ने दी श्रद्धांजलि, कल होगी अंतिम संस्कार। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए देवभूमि इनसाइडर ऐप।